रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नन और मैं हूं और भाभी। आप देख रहे हैं उड़ता हुआ धुआं जो कि दूध से निकल रहा है। तो अरे आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन भाभी। तो आज हमारी किचन में क्या बन रहा है आज भाभी? हम बनाने वाले हैं केक, ठीक है। जिसके लिए हमने ये 1 कप मैदा लिया है हमने, और 1/2 कप हमने तेल लिया है, 2 अंडे लिए थे जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, और 1/2 कप हमने चीनी ली है, 1/2 कप हमने दूध लिया है जो नीम गर्म दूध है, और जो है 1 टीस्पून हमने जो है बेकिंग पाउडर बेकिंग लिया, पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून हमने जो है बेकिंग सोडा लिया है, ठीक है। और ये 2 चम्मच हमने जो है वो लिया है कोका पाउडर, कोको पाउडर लिया है, और ये 2 चम्मच ही हमने ये चॉकलेट ली है, चॉकलेट चिप जो होती है ना वो ली हमने। चल आइए बनाते हैं। हमने एक बड़े बाउल में दूध डाल दिया, अब इसमें हम चॉकलेट डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी मेल्ट कर देंगे हाँ, इसको। इसी के साथ ही हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे ताकि चीनी भी हल हो जाए गर्म दूध में। अब हम इसमें जो है कोको पाउडर डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से सब चीज़ें हल हो गई हैं। अब हम इसमें जो है तेल डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। हमने अंडा भी मिक्स कर लिया, अब ये थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल के और हम इससे मिक्स करेंगे। बाकी कभी हम सारा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसी के साथ ही हम जो है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको कोई लम्स वगैरह नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे, इसमें जो है हमने ग्रीस कर लिया और जो है पेपर लगा लिया अच्छा, हमने बटर इसमें। पेपर लगा लिया हाँ आपने। बिल्कुल। अब हम इसमें जो ये डालेंगे, देखिए हमने इसमें डाल दिए, अब हम इसको बेक करते हैं। देखिए हमने इसको गर्म पे रख दिया था पतीली को, ये अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें जो है ये रखेंगे और आंच हम इसकी हल्की कर देंगे और इसको कवर कर देंगे 30 से 35 मिनट तक। ये देखिए तैयार हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है इस तरह, और ये इसके ऊपर का हिस्सा है जिसको हम इसको हटा देंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप कटेंगे। ये देखिए हमने क्रीम ले लिया, 1/2 कप क्रीम ली है हमने। अब हम और हमने इसको बहुत प्यारा सा कलर लिया है जिसको हम क्रीम में डालेंगे। प्लीज अभी नहीं, थोड़ी देर में भाई, चले हम इसको बीट करते हैं। देखिए हमने अभी 2 से 3 मिनट फेटा है, अभी में ये हम कलर डालेंगे, फ्रूट कलर हमने लिया था जरा सा 1-2 चुटकी के बराबर, और थोड़े से पानी में हमने इसको घोल लिया था। अब हम इसको प्यारा कलर। ये देखिए हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया, देखिए कितना अच्छा बीट हुआ है। अब हम जो है इसको केक पे लगाते हैं। ये देखें अब हम इसमें जो है क्रीम लगाएंगे। ये देखें हमने 1 स्टेप कर दिया, अभी हम दूसरा स्टेप करेंगे, और इस पे हम जो है शुगर शी वाटर लगाएंगे लगाना क्योंकि भूल हम गए, भूल क्योंकि गए हमारी थे। नन को बहुत जल्दी थी, उन्होंने फौरन क्रीम रख दी थी उस पे। इसमें 2 चम्मच हमने जो चीनी डाली थी और थोड़ा सा पानी डाल के इसका शीरा तैयार कर लिया था। अब हम इसको इस तरह लगाएंगे। देखिए हमने शीरा पिला दिया इसको, अब हम जो है क्रीम लगाएंगे। दूसरे स्टेप पे भी हम शीरा लगा लेंगे अच्छे से, ठीक है, और फिर इस पे क्रीम रख देंगे। फिर क्रीम रख देंगे इस पे। ये देखिए हमने क्रीम लगा दी है, अब हम इस लेकिन पे, आपके क्रीम में फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमें देनी नहीं थी, क्योंकि हमें इस चमचे से इस तरह डिजाइन बनाना था। अच्छा, जबरदस्त हाँ कांटे इस, निकले वाला केक। हाँ ये देखिए ठीक है, जबरदस्त, बहुत प्यारा लग बनाइएगा रहा है। बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग को जरूर पसंद आएगा, और बहुत मजे का बनाए ये केक। और पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें, लाइक लाइक करें, करें। शेयर करें, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।